लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आपको सैटेलाइट डीएनए, सैटेलाइट डीएनए और नॉन सैटेलाइट डीएनए, ठीक है, और क्या बताया था, और बताया था रिपीटेटिव डीएनए और नॉन रिपीटेटिव डीएनए। पिछले वीडियो में आप लोग इसको देख लीजिएगा अच्छे से। अब हमको सिर्फ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, इसलिए हमको सैटेलाइट डीएनए से ही मतलब रखना है। सैटेलाइट डीएनए को ही समझना है और इसी से हमको मतलब रखना है, ठीक है। चलो अब आगे वीडियो को हम फॉरवर्ड करते हैं। सैटेलाइट डीएनए हमारे बॉडी का 0.1% पार्ट बनाता है और ये हेटरोक्रोमेटिन होता है और ये प्रोटीन को कोड नहीं करता है, ठीक है। तो ये बेसिक पॉइंट है सैटेलाइट डीएनए के। सैटेलाइट डीएनए हमारे बॉडी में जितने भी होते हैं उसको आप सेपरेट आउट कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या बेस तैयार करते हैं, इसके लिए हम बेस तैयार करते हैं पहला ये कि उसके लेंथ के बेस पे, ठीक है, उसके लेंथ के बेस पे आप सैटेलाइट डीएनए को सेपरेट आउट कर सकते हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। दूसरा हम एडिनिन और थियामिन या फिर गुआनिन और साइटोसिन के बेस पे, इसके प्रोपोर्शन के बेस पे हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। और तीसरा क्या है, तीसरा है हम माइक्रो और मिनी सैटेलाइट, माइक्रो और मिनी सैटेलाइट, सैटेलाइट के दो पार्ट, दो टाइप होते हैं, माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट, ठीक है, इस पर आपको थोड़ा सा फोकस करना रहता है, ठीक है। तो हाउ कैन, क्वेश्चन पूछते हैं हाउ कैन वी सेपरेट द सैटेलाइट डीएनए, दैट इज द मेथड टू सेपरेट डीएनए इज बाय मीन्स ऑफ लेंथ, बाय मीन्स ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ एडिनिन थियामिन गुआनिन साइटोसिन एंड बाय मीन्स ऑफ माइक्रो एंड मिनी सैटेलाइट, ठीक है। अभी आपको बताना है कि माइक्रो सैटेलाइट क्या है और मिनी सैटेलाइट क्या है, वीडियो में बने रहिए, ठीक है। देखो तुमको पता है कि ये डीएनए का छोटा सा स्ट्रेच है 5 डैश टू 3 डैश और ये सैटेलाइट डीएनए, इस पे डीएनए के पोर्शन अपने आप को कई बार, नाइट्रोजिनस बेस के जो सीक्वेंस होते हैं डीएनए के वो कई बार अपने आप को रिपीट करते हैं, ठीक है। अगर ये पोर्शन 2 to 6 base pair का हो, 2 to 6 base pair का हो और ये अपने आप को 5 to 200 times अगर रिपीट कर रहा हो तो इसको बोलेंगे माइक्रो सैटेलाइट। क्या बोलेंगे, माइक्रो सैटेलाइट। तो क्या होता है माइक्रो सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट्स आर द पार्ट ऑफ सैटेलाइट डीएनए इन विच वेरी स्मॉल स्ट्रेच ऑफ नाइट्रोजिनस बेस पेयर सीक्वेंस रिपीट इटसेल्फ मैनी टाइम्स, 5 to 200 times मैनी टाइम्स होगा, ठीक है। तो जैसे मान लो कि ये एडिनिन गुआनिन थियामिन साइटोसिन, फिर है एडिनिन फिर एडिनिन आ गया, ठीक है, 1 2 3 4 5 ये 5, ऐसे ही 2 to 6 base pair यानी कि ये एडिनिन गुआनिन भी हो सकता है, फिर आगे एडिनिन गुआनिन, फिर आगे एडिनिन गुआनिन, या फिर एडिनिन गुआनिन थियामिन, ये भी एडिनिन गुआनिन थियामिन आगे फिर फॉरवर्ड हो, या फिर एडिनिन गुआनिन थियामिन साइटोसिन फिर एडिनिन गुआनिन थियामिन साइटोसिन फिर एडिनिन, ये कई बार रिपीट हो, और कितने से कितने टाइम पे 5 to 200 times अगर रिपीट करता है दैट विल बी द माइक्रो सैटेलाइट्स, ठीक है। मिनिमम कितना होना चाहिए 2 और मैक्सिमम 6 base pair, ये कितने टाइम रिपीट करना चाहिए, ये रिपीट करना चाहिए 5 to 200 times, ठीक है। चलो अब इसकी मैं बात कर दूं मिनी सैटेलाइट की, मिनी सैटेलाइट की बात कर दें, इसमें जो डीएनए का बेस पेयर होता है, छोटे से स्ट्रेच की मैं बात कर दूं, इसमें जो डीएनए का स्ट्रेच होता है वो 10 to 60 base pair का होता है, 10 to 60 base pairs, और रिपीट कितने टाइम करते हैं 5 to 50 times, इस चीज पे आपको फोकस करना है। व्हेन द वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजिनस बेस पेयर रिपीट इटसेल्फ मेनी टाइम्स देयर विल बी द मिनी सैटेलाइट्स, कीप इन माइंड। तो ये 10 to 60 यानी कि बहुत बड़े बड़े बेस पेयर, बहुत लंबे लंबे बेस पेयर सीक्वेंस, ये अपने आप को रिपीट करते हैं 5 to 50 times, ठीक है। और इसमें क्या है 2 to 6 वेरी स्मॉल, ये मिनी सैटेलाइट की प्रॉपर्टी है, और ये माइक्रो सैटेलाइट की, ये माइक्रो सैटेलाइट की प्रॉपर्टी और ये मिनी सैटेलाइट की प्रॉपर्टी, इस चीज को आपको फोकस करना रहता है कि माइक्रो सैटेलाइट क्या होता है, वेरी स्मॉल स्ट्रेच होता है रिपीटेटिव सीक्वेंस का, और मिनी सैटेलाइट क्या होता है, थोड़ा सा लॉन्ग स्ट्रेच होता है रिपीटेटिव सीक्वेंस का। यानी फॉर एग्जांपल 10 टू 60 की बात कर दूं, एडिनिन गुआनिन साइटोसिन थियामिन एडिनिन गुआनिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर एडिनिन कर देना है। तो ये एडिनिन गुआनिन साइटोसिन थियामिन एडिनिन गुआनिन एडिनिन, ये यहाँ भी कई बार ये अपने आप को रिपीट करेगा, मैक्सिमम 50 times रिपीट करता है, दैट विल बी द मिनी सैटेलाइट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको बताएं मिनी सैटेलाइट्स और माइक्रो सैटेलाइट्स, इस चीज़ पे आपको फोकस करना है, ठीक है। ये सैटेलाइट डीएनए कैसे बनते हैं और फिर ये वेरिएशन इतना क्यों आता है, इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू।